हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटन करी। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है और अब उसके ऊपर मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी 3 चम्मच। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 3 चम्मच दही। और अब मैं इन सारी सामग्री को मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद सरसों का तेल दूंगी। और अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 30 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। और अब मैं मटन को कुकर के अंदर डाल दूंगी। मैं यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। कुकर में 1 सीटी दे दूंगी। कढ़ाई पे मैं सरसों का तेल डाल दूंगी, 2 दालचीनी, 4 लौंग, 2 तेजपत्ता, 2 छोटी इलायच और 2 सूखी मिर्च। और अब मैं कढ़ाई के अंदर 500 ग्राम कटी हुई प्याज डाल दूंगी। आप अगर चाहें तो प्याज को पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। प्याज को तेल में फ्राई करने के बाद 2 टमाटर को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दूंगी। आप चाहे तो आप टमाटर को पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और अब मैं डालूंगी 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और अब 1 चम्मच सूखी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो देख ही सकते हैं हमारा मटन रेडी हो चुका है। और अब मैं कढ़ाई पे मटन को डाल दूंगी। आप इसे रोटी या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत डिलीशियस है। 5 मिनट तक ऐसे ही मटन को मिलाते रहूंगी। तो बस हमारा मटन बनके तैयार हो गया है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर।